कांग्रेस पार्टी के सचिव तोरिक आलम ने हरियाली वाटिका में जिला और शहर कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तोरिक ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सबसे पहले तो मैं आगरा की सरजमीन से पूरे देश को आगरा से धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के सामने एक इंडिया हमारे विपक्ष की एकता की जो संयुक्त विपक्ष की एकता की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया नाम पड़ा है। तो आज कहीं ना कहीं अब जो भी कार्यक्रम जो भी प्रोग्राम चलेंगे उसका एक लाइन होगा और मैं सबसे पहले उसकी बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे ज़िला और शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक है। आने वाला 2024 का भी चुनाव है, अभी नगर निगम के भी चुनाव हुए हैं, उसको लेके भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ हमसे चूक हुई या कितने हमारे पार्षद जीते हैं जो हमारे कहाँ कहाँ अच्छा किए हैं, हमारे संगठन का जो काम है उस काम को भी किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और ख़ास करके जल निगम में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस प्रदेश में, RTI के माध्यम से उसका खुलासा भी हुआ है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों ने आंदोलन भी किया है, लेकिन आने वाले दिन में उसकी एक बढ़िया से रूपरेखा तैयार हो और पूरे प्रदेश स्तर में 2024 को लेके एक बड़ा आंदोलन तैयार हो, उसको लेके जगाया जाए लोगों को, मूवमेंट तैयार हो, तो उसको लेके हम लोग पार्टी के हमारे संगठन के लोगों से वार्ता करने आए हैं, बात करने आए हैं कि इसको किस तरह से रूपरेखा दी जाए। उसी सिलसिले में आज बैठक है और उसी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सब लोग अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसकी तैयारी करें। महंगाई का जो दौर चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सरकार ने जो काम किया है, भाजपा की सरकार ने जो भी इस देश में जो मुद्दे ला के दिए हैं उनमें सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। टमाटर की कीमत से लेके तमाम पेट्रोल डीजल से लेके तमाम चीज़ें लगातार महंगी हो रही है, तो इसको लेके ये तो मुद्दा है ही हमारे राष्ट्रीय पैमाने पर। और इस मुद्दे को लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उठा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो भी कहीं ना कहीं नफरत मिटाने, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, लोगों को आपस में दिलों को जोड़ने को लेके थी और उसकी चर्चा भी हो रही है। तो हम लोग इस महंगाई के खिलाफ हैं, महंगाई को हर हाल में कम करना चाहिए, सरकार को कम करना चाहिए, वो मुद्दा हमारे पास है ही है। साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है और जितने मुद्दे हैं उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन जो बड़े घोटाले अभी सामने आए हैं उसको लेकर खास करके हम लोग अभी